So students, so this is our third video where we were trying to understand the first kind of connective tissue, which is a fluid connective tissue, the blood cell. तो ब्लड के अंदर के कॉम्पोजिशन को हमने समझा, ब्लड के डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ा. वी हैड अ टॉक अबाउट द रेड ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो नोन टू बी इराइथ्रोसाइट्स, जिसका शेप बाय कॉन्केव होता है. इट लूजेस इट्स न्यूक्लियस एंड दैट इज़ वाई इट्स लाइफ स्पैन बिकम्स ओनली 120 डेज. इसके बाद हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की बात करी. अगर उस सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे हम ग्रैन्यूलोसाइट्स बोल रहे हैं. अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम ए ग्रैन्यूलोसाइट्स बोल रहे हैं. जो हमारे पास ग्रैन्यूलोसाइट्स है उसमें तीन टाइप के एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हैं, डिपेंडिंग वेदर दे आर बीइंग स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज और दे आर बीइंग स्टेन्ड बाय एनी एसिडिक डाई और न्यूट्रल डाई, एंड डिपेंडिंग ऑन देम द नेम्स बिकम्स बेसोफिल्स, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल. Then we had a talk about the two types of agranulocyte, where monocyte is the first one and the second one is lymphocyte. The monocyte is only differentiated to later on form macrophages, जिसका काम होता है कोई भी अगर unwanted foreign particle हमारी body में enter कर जाए, so it will engulf that bacterial thing or the foreign particle and try to completely digest and completely एंड इट अप. सो इन अ वे जो WBC का मेन काम है, उसका जो मेन काम है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होता है. और हमने पढ़ा था कि वाइट ब्लड सेल्स हैव द सेल्स विच हैव वेरी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, सो दे कैन ईजिली चेंज देयर शेप ऑल्सो. वी ऑल्सो हैड अ टॉक अबाउट द फ्रैगमेंट ऑफ सेल्स विच आर नोन टू बी प्लेटलेट्स इन नेचर. ये जो प्लेटलेट्स हैं इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, और ये ब्लड के क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो हम आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं. सो दिस स्ट्रक्चर इज हियर टू शो दैट हाउ रेड ब्लड सेल कंटेनिंग द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन देम हेल्प टू कैरी द ऑक्सीजन टू डिफरेंट टिश्यू सेल्स. ये ऑक्सीजन यहाँ पे लोड होगा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में. It will reach to a different tissue cells where it will release all the oxygen into the tissue, and similarly it will be carrying the oxygen further inside the body. यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं blood clotting के function के बारे में. जब भी हमारे body में कोई external या internal injury होगी तो हमारे blood vessels भी rupture करेंगे, जैसे कि arteries and veins. So in that case, if it is not being taken care of, so what can happen? Important blood containing the respiratory gases can ooze out from here. तो क्या होगा, blood clotting का process शुरू होता है body में with the help of platelets. जैसे ही ऐसा होगा तो सबसे पहले तो जो आपके platelets हैं वो क्या करेंगे, जाकर एक network जैसा बना देंगे जो injured जगह के ऊपर जाके stick हो जाएंगे, paste हो जाएंगे. Can you see this platelet plug? और इस प्लेटलेट प्लग के बनने के बाद द प्रोटीन्स लाइक फिब्रिन प्रोटीन, हमने बात करी थी, ये जो फिब्रिन प्रोटीन है एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बना देगा जो रोक देगा ब्लड को फर्दर बॉडी से बाहर ऊज आउट होने के लिए. सो इन अ वे इट इज़ हेल्पिंग इन द ब्लड क्लॉटिंग, इट इज़ हेल्पिंग टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग नाउ. WBC के तो हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे. वी टॉक्ड अबाउट बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल. वी टॉक्ड अबाउट मोनोसाइट्स फॉर्मिंग मैक्रोफेजेस एंड अदर लिम्फोसाइट्स. बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, ऑल्दो दे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन, दैट इज टू हेल्प द बॉडी टू हैव प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी, स्टिल देयर फंक्शंस आर वेरी डिफरेंट. जब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 7 आवर्स का होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी, डिफेंस करने में. ईओसिनोफिल्स की बात करें तो ये 8 to 12 डेज तक जिंदा रहता है, और किसी भी पैरासाइट से डिफेंस करने में बॉडी को हेल्प करता है, पैरासाइट लाइक एनी काइंड ऑफ इंटरनल पैरासाइट. बेसोफिल इज लिविंग फॉर ओनली फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, और ये इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स देता है. जब भी आपकी बॉडी में कोई इंजरी हुई है या फिर कोई इन्फेक्शियस फॉरेन पार्टिकल एंटर किया है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, एंड ब्लड का फ्लो वहाँ बढ़ जाएगा ताकि दूसरे जो WBC सेल्स हैं वहाँ पे आके
उस फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म कर सके. मोनोसाइट दैट इज़ अ टाइप ऑफ ए ग्रेन्यूलोसाइट हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 डेज और ये इम्यूनिटी को सर्विलेंस करता है. सर्विलेंस मतलब देख रेख करता है कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं. ये सर्विलेंस के काम आ रहा है. लिम्फोसाइट्स के आप सीनियर क्लासेस में 2 वेराइटी पढ़ोगे. एक को बोला जाता है बीटा लिम्फोसाइट, एक को टी लिम्फोसाइट. जो दोनों लिम्फोसाइट है उसमें से जो बीटा लिम्फोसाइट है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है किसी भी वायरस या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ जो हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है. जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है वो हमारे सेल्स में एज मेमोरी सेल्स रह जाते हैं ताकि अगर सेम वायरस और बैक्टीरिया दोबारा से बॉडी में एंटर करे तो ऑलरेडी बॉडी में इसके सेल्स प्रेजेंट हैं इसके खिलाफ और इसको ईजिली ये ख़त्म कर पाए. सो इन अ वे वी कैन से दैट ऑल द टाइप्स ऑफ दीज WBC सेल्स हैव अ सिमिलर फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी. अब हम नेक्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट लिम्फ. लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इसका कलर स्ट्रॉ कलर होता है. अब स्ट्रॉ कलर क्यों है? क्योंकि लिम्फ विच इज ऑल्सो द टिश्यू फ्लूइड और द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड is having everything similar to blood except the RBC cells will not be present. जब RBC present नहीं है तो hemoglobin भी present नहीं होगा. जब hemoglobin present नहीं है it will not be any more red color. It is of straw colored in nature. Lymph is again a connective tissue तो उसमें definitely matrix और cells तो होंगे ही. मैट्रिक्स में जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड इन नेचर है तो इसमें भी वाटर होंगे, आयंस होंगे और कुछ प्रोटीन्स होंगे. लेकिन जो प्रोटीन्स हैं दे आर कंपेरेटिवली लेस इन अमाउंट एज कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा. जब सेल्स की बात की जाती है इसमें WBC और प्लेटलेट्स हैं बट इसका नंबर, इसके अमाउंट काफ़ी कंपेरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द ब्लड सेल्स. मेजरली लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू. अब ये लिम्फ आता कहाँ से है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स मूव कर रहे हैं बॉडी में उसके साथ साइड में आपके टिश्यू के सेल्स भी होंगे, दूसरे टिश्यू के सेल्स. अब ये जो टिश्यू के सेल्स हैं दे विल हैव सर्टेन इंटरसेलुलर गैप इन बिटवीन देम. अब जब ब्लड बहुत हाई प्रेशर में इसमें मूव कर रहा होगा इस ब्लड वेसल में तो थोड़े बहुत ब्लड के कॉम्पोनेंट्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल्स के बीच में आ जाएंगे, टिश्यू के सेल्स के बीच में. यही टिश्यू सेल्स के बीच में आते हुए फ्लूइड को क्या बोला जा रहा है? लिम्फ बोला जा रहा है. क्योंकि ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन नेचर. सो द लिम्फेटिक टिश्यू विल हैव सर्टेन मेजर फंक्शंस लाइक it transport and clean the fluids back to the blood. It drains excessive fluid from the tissue and remove any debris from the cells of the body and also helps in the transportation of fats from the digestive system. ये जो lymph tissue है, ये जो lymph है blood connective tissue, अगर इसको हम देखें कि इसके क्या क्या components है, we have to talk about lymph, which is, it is the recovered fluid जो blood में से ही बना है. कलरलेस फ्लूइड है जिसे स्ट्रॉ कलर भी बोला जाता है. प्रोटीन कम है. ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो नहीं करता. इसके सेपरेट लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक द लिम्फेटिक कैपिलरीज. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं लिम्फ के और ये दोबारा से पूरी बॉडी में इसे फ्लो करवाते हैं. देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक लिम्फॉइड टिश्यू इन द बॉडी and it causes the formation of certain specific lymphoid organs. These lymphoid organs have defined anatomical sites where they will be present. For example, red bone marrow mein, thymus mein, tonsils mein, spleen mein, lymph nodes mein ye lymph flow karega. To aaj ki class mein humne basically kya padha? Humne connective tissue ko padhna shuru kara. Humne samjha ki connective tissue mein majorly ek matrix present hoga और मैट्रिक्स के अलावा इट विल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. वी स्टार्टेड विथ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स फ्लूइड इन नेचर होगा, फ्लो कर सकता है. देयर वी स्टार्टेड विथ ब्लड, इट्स कॉम्पोनेंट, द डिफरेंट सेल्स, देयर फंक्शन. वी अगेन स्टार्टेड विद द सेकेंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, द लिम्फेटिक सिस्टम. तो यहीं तक आज की क्लास में हम फिनिश कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. प्लीज़ इस पार्ट को अच्छे से पढ़ें फ्रॉम द NCERT ऑल्सो एंड
wait for the next class to start with the next connective tissue. Thank you.